सीएससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में विरोध प्रदर्शन किया। ओबीसी और एससी शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण भी पहुंचे। मांगे ना माने जाने से नाराज ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के समर्थन में भीम आर्मी के चीफ ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। शिक्षक अभ्यर्थियों को मानव श्रृंखला बनाकर पुलिसकर्मियों ने घेरा। बता दें कि पिछले 79 दिनों से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से भर्ती किए जाने की मांग को लेकर ओबीसी एससी के शिक्षक अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। शिक्षक भर्ती में आरक्षण की सापेक्ष भर्ती न होने को लेकर आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी लगातार 78 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके धरना प्रदर्शन में समर्थन देने के लिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर इको गार्डन धरना स्थल पहुंच गए हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी यहाँ मौजूद। आपको हम दिखा दें, यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में जो उनके समर्थक मौजूद हैं और इसकी वजह से यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी मात्रा में पुलिस लगाई गई है। जो बाहर निकलने वाला गेट है उसको भी यहाँ पर बंद किया गया है। आपको बता दें, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर है, यहाँ पर पहुंचने पहले भी यहाँ पर दो बार रह चुके थे। उसके बाद उन्होंने बताया था कि 6 तारीख को हम आएंगे और पूरे प्रदेश से लगभग यहाँ पर लोग रहेंगे। उसको देखते हुए पहले से ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। आज यहाँ पर चंद्रशेखर अपने भारी तादाद में समर्थकों के साथ यहाँ पहुंचे। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया है। लखनऊ से पवन तिवारी, के न्यूज इंडिया।